ओम आज्ञांति मिरांदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः SB 1.2.5। मुनया साधु पुष्टोऽहं भावाद्भिर्लोकमंगलं यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। इस श्लोक का अर्थ है कि हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न, श्रील सूत गोस्वामी कह रहे हैं मुनियों से कि आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्म तुष्टि हो सकती है। जैसे कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, वो क्वेश्चंस नहीं कि जैसे ट्रेन कब आएगी, या इस हमें इंक्वायरी करना है, हमें हमारी लाइफ में इंक्वायरी करना है, लेकिन वो इंक्वायरी नहीं कि हमारी फ़्लाइट कितने बजे है, या ट्रेन कब आने वाली है, या हमें कितने बजे कहाँ जाना है, या क्या करना है। इस तरह के जो रोज़मर्रा के हमारे दिन की शुरुआत ही क्वेश्चन आंसर से हो जाती है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो, सब कोई कुछ पूछता है और दूसरा उसका जवाब देता है। तो इस तरह हमारा जो जीवन है वो पूरा जीवन क्वेश्चन आंसर्स में ही चलता रहता है। फिर चाहे हम व्यापारी हो, या हम स्कूल में हो, हम न्यायालय में वकील हो, या विद्यालय में स्कूल स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में हो, या सांसद में हो, प्रश्नोत्तर चलता ही रहता है, चाहे पॉलिटिशियंस हो या फिर चाहे प्रेस हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये सारे क्वेश्चंस हमें सुकून देते हैं, हमारी आत्मा को तुष्टि नहीं देते, ये हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं लाते, हमें तुष्ट नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि ये इस संसार के क्वेश्चंस हैं। ये हमें कैसे आनंद देंगे, ये हमें कैसे सुख देंगे? हम अपने जीवन में पता नहीं कितनी तरह से अपने परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं जिससे कि हम परेशानियों से बच सकें, उनसे बाहर निकल सकें। लेकिन जब तक कि हम कृष्ण के बारे में नहीं पूछते, जब तक कि हम ये इंक्वायरी नहीं करते कि कृष्ण कौन है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा कृष्ण के साथ क्या रिश्ता है, तब तक, जब तक हमारा क्वेश्चन कृष्ण पे आकर नहीं होता, कृष्ण के बारे में नहीं होता, कृष्ण के लिए नहीं होता, तब तक हमारी आत्मा को सुकून नहीं मिलता। क्योंकि कृष्ण के साथ हमारा अंतरंग संबंध है, कृष्ण के हम अंश हैं, इसलिए हम जिनके अंश हैं, जब तक उनके बारे में इंक्वायरी नहीं करते और जब तक हम इस संसार की चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं, तब तक हम सुकून को नहीं प्राप्त करते। तब तक हम अपने प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन नहीं पा सकते। चाहे हम कितने भी क्वेश्चंस कर लें इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड के लोगों से रिलेटेड, इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो हैं वो मटेरियल नहीं हैं। हम जो हैं ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और आत्मा मटेरियल नहीं होती। इसलिए जो स्पिरिचुअल बीइंग है उसके क्वेश्चन का आंसर भी स्पिरिचुअल होना चाहिए। जब तक हम अपने संबंध को नहीं खोज लेते कि हम किसके साथ संबंधित हैं, किसके अंश हैं, वो कौन है, कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी हैं, वो हमारे फ्रेंड हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे पुत्र हैं तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य हैं, प्रियतम हैं, कृष्ण को भूल कर ही हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए, हमने इतने सारे सब्जेक्ट्स बना लिए, क्यों कि हम सुकून को खोज रहे हैं लेकिन वो सुकून हमें नहीं मिल रहा। हम इतने सारे सब्जेक्ट्स में डील कर रहे हैं लेकिन तब भी हमें सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं। इसलिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करता, तुष्टि नहीं देता, हम तुष्ट नहीं हो पाते, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। कृष्ण के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या है, वो सिर्फ टेम्पररी यानी क्षणिक, कुछ क्षण के लिए वो हमें सेटिस्फाई करती हैं। जैसे अगर हमें अगर रसगुल्ले खाना पसंद है और हम रसगुल्ले खा रहे हैं,
लेकिन क्या हम उसको लगातार खा सकते हैं? क्योंकि हमें रसगुल्ला पसंद है और उसे खाने के बाद हमें बहुत अच्छा फील होता है, तो क्या हम सारे दिन बैठ के रसगुल्ले खा सकते हैं? नहीं खा सकते। पर कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। हम सारा दिन 24 घंटे कृष्ण के बारे में सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन हम कभी उससे बोर नहीं होते। लेकिन इस संसार की हर चीज़ हमें सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण के विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। इसलिए इस दिव्य साहित्य के को पढ़ने से और इसका श्रवण करने से ही हमें परम तुष्टि प्राप्त होती है और प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, सोशल, पॉलिटिक्स तथा धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने देश में फैले गरीबी के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, हर तरह के प्रॉब्लम का, लेकिन एक ही सॉल्यूशन है, वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ कर समझ कर इस समस्त सोशल और पॉलिटिकल जितने भी प्रॉब्लम हैं उसका हल निकाल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार है। हरे कृष्णा।